हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो यूनिट नंबर 4th अपने पास चल रही थी, उसका जो टॉपिक है अपने पास, क्या चल रहा था अपने पास? इलेक्ट्रॉन स्निप प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन डिस्कस कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन स्निप प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन ने कुछ एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिए है। जैसे अपने नाइट्रिकन डिस्कस कर लिया है, अपने क्लोरीनेशन डिस्कस कर लिया है, अपने फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण डिस्कस कर लिया है, अपने फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण भी डिस्कस कर लिया है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, राइट। अब आज अपन पढ़ेंगे अपने पास सल्फोनीकरण। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक होगा वो क्या होगा अपने पास? सल्फोनीकरण। क्या होगा अपने पास? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण बेंजीन का क्या कराएंगे अपन? सल्फोनीकरण, ठीक है भाई। फिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण इंपॉर्टेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। आप दोनों को अच्छे से देखना, उसकी मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म मैंने करवा दिया है, तो आप उसको अपने वहां से रीडिंग कर लेना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एसिलीकरण क्या होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब बेंजीन कि क्या हो रहा है अपने पास, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है अपने पास? कि अपने पास कि बेंजीन रिंग पर सल्फोनिक समूह का जुड़ना सल्फोनीकरण कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं अपन? बेंजीन कौन से अभिक्रियाएं देते हैं? तो अपन ये कहते हैं कि बेंजीन आपके पास क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्निप प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सदुम्र H2SO4 किसकी प्रेजेंस में? सदुम्र H2SO4 या ओलियम आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो अपने पास क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। अपन क्या करें कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फोनेशन में क्या करेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये लिख सकते हैं अपन, जब बेंजीन की अभिक्रिया, जब बेंजीन की अभिक्रिया, जब बेंजीन की अभिक्रिया सधूम्र H2SO4 सधूम्र H2SO4 या ओलियम सधूम्र H2SO4 या ओलियम। हाँ भाई, ओलियम क्या होता है अपने पास? सधूम्र H2SO4 या ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला अपने पास होता है H2SO7। ये किसका फॉर्मूला होता है अपने पास? ओलियम का होता है। कि सधूम्र H2SO4 या ओलियम H2SO7 के साथ करवाई जाती है, के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बेंजीन सल्फोनिक, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है भाई। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है भाई। किसका निर्माण हो रहा है अपने पास? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है भाई। करवा दो रिएक्शंस, किसकी उपस्थिति में करवा रहे अपन? बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? सधूम्र H2SO4 के साथ अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपने पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है भाई। तो सधूम्र H2SO4 ये होती है अपने पास बेंजीन, ठीक है भाई। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे अपन? सधूम्र H2SO4, सधूम्र H2SO4 या अपन इसके क्या ले रहे हैं? ओलियम आयन H2SO7 ओलियम आयन के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, तो अपने पास क्या बन रहा है? अपने पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का SO3H। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। अभिक्रिया 298 केल्विन पर संपन्न होती है और अपने पास क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या हो रहा है अपने पास? है फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने पास? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। बताइए भाई, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर।
तो अपने पास इस रिएक्शन से वही क्रियाविधि क्रियाविधि सल्फोनीकरण क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होगी, वही तीन पदों में संपन्न होगी। सबसे पहले क्रियाविधि में अपन क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, फिर एरेनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर अपने पास क्या बनेगा, उत्पाद निर्माण होगा। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मोल है ओपेस्टोसोफोर के साथ रिएक्शन करवा के अपन एरेनियम आयन का इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेंगे। तो क्रिया विधि ठीक है भाई, यदि अपन क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि कितने पदों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया निम्नलिखित तीन पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित तीन पदों में संपन्न होती है हाँ जी भाई, यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित तीन पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट, क्या होता है भाई, इस पद में किसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हाँ भाई, किसका फॉर्मेशन करेंगे अपन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो अपन क्या कहेंगे, 2 मोल ऑफ एस्टोसोफोर, जब 2 मोल ऑफ एस्टोसोफोर की रिएक्शन कराई जाती है तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, SO3 सल्फोनियम, SO3 जब 2 मोल ऑफ एस्टोसोफोर की रिएक्शन करवाई जाती है तो अपने पास SO3 प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये होता है सल्फोनियम आयन, ये सल्फोनियम आयन ही आपके पास क्या करता है, अटैक करता है। ये सल्फोनियम आयन अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ट्राइऑक्साइड, अपने पास सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, यही अपने पास नाभिक स्नेही की तरह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है भाई, रिएक्शन को इसमें 3 आएगा ना, H3O+, हाँ अब सही हो जाएगी। ठीक है भाई, तो H2SO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल एस्टोसोफोर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और अपने पास क्या बन रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही सेकंड स्टेप में अपने पास रिएक्शन करके अपने पास सेकंड स्टेप में अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर और प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। राइट, अब देखिए कि कैसे होता है, तो अपन क्या कहेंगे कि 2 मोल एस्टोसोफोर आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों मोल H2SO4 आपस में रिएक्शन, देखो HSO4 माइनस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, आपके पास H2O H+ एक्सेप्ट करके यहां से OH, एक मोल एक से OH और एक से क्या होगा H, तो ऐसे H3O+ बाहर होगा और अपने पास क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। भाई H2SO4 है ना, तो देखो H2SO4 का कहां गया, OH, ठीक है, एक ऑक्सीजन तो यहां चला गया और आपके पास हाइड्रोजन, तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किस पर अटैक करेगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, एरेनियम आयन का निर्माण, एरेनियम आयन का निर्माण किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, एरेनियम आयन का निर्माण। हाँ भाई, अब एरेनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, क्लियर, एरेनियम आयन का निर्माण। अब एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तो अपन क्या कहेंगे कि बना इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर अटैक करेगा अपने पास, बना आपके पास जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो बेंजीन रिंग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है भाई,
क्लियर। बेंजीन रिंग पर बना इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन है? SO3। बेंजीन रिंग पर बना इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण करता है और अरेनियम आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। बेंजीन रिंग पर बना इलेक्ट्रॉन स्नेह आक्रमण करता है और आपके पास अरेनियम आयन का निर्माण करता है। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एस डबल बॉन्डेड ओ और ओ माइनस, ये होती है स्ट्रक्चर। दो दो चार और ये पांच, और इस पर क्या आता है अपने पास? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या करता है? यहां अटैक करेगा, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा? अरेनियम आयन का क्या होगा? निर्माण होगा। यहां पे क्या बन गया अपने पास? SO3 माइनस, यहां पे आपके पास H है, यहां पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो अरेनियम आयन है ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है अपने पास? अनुनाद अनुनादी संरचनाओं का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है भाई। ये यहां जाएगा, नेक्स्ट अनुनादी संरचना आपके पास ये बनेगी, क्लियर। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसको इधर ही बना लेता हूं मैं, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास क्या है? SO3H, यहां पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होगा? फिर डीलोकलाइजेशन होगा किसका? यहां पे, और एक अरेनियम आयन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा अपने पास? अरेनियम आयन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। मैं इसका प्रोडक्ट यहां पे बना रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये एच, और ये क्या आएगा अपने पास? SO3 माइनस, लाइक, ठीक है भाई। किसका हो गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल, किसका फॉर्मेशन हो गया? सिग्मा संकुल या अरेनियम आयन का निर्माण, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा संकुल या अरेनियम आयन का निर्माण। हाँ जी भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बना अरेनियम आयन प्रतिस्थापित उत्पाद का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा, ठीक है भाई। जो अरेनियम आयन आपके पास बन रहा है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रतिस्थापित उत्पाद का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, क्लियर। चले आगे, अब देखो स्टेप थर्ड, इसमें एक बात याद रखनी है भाई आपको, जो स्टेप थर्ड होगा ये क्या होता है? अरेनियम आयन क्या करेगा? प्रोटॉन निष्कासन व उत्पाद का निर्माण। अरेनियम आयन से प्रोटॉन निष्कासन व उत्पाद निर्माण, अरेनियम आयन से प्रोटॉन निष्कासन व उत्पाद निर्माण। यदि स्टूडेंट्स अपने अरेनियम आयन की बात करें तो अरेनियम आयन से क्या होगा? प्रोटॉन निष्कासन होगा और फिर क्या होगा अपने पास? उत्पाद का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है भाई। अरेनियम आयन से क्या होगा अपने पास? प्रोटॉन निष्कासन व उत्पाद निर्माण, प्रोटॉन निष्कासन व उत्पाद निर्माण। ये देखिए अरेनियम आयन आपके पास यही बन रहा था अपनी, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे एच, और यहाँ पे अपने पास क्या था? SO3 माइनस, ठीक है भाई। ये देखिए ये एच यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच प्लस, यहाँ से क्या जाएगा? माइनस एच प्लस, यहाँ पे क्या जुड़ गया अपने पास? कंप्लीटली बॉन्ड जुड़ चुका है और आपके पास ये स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है भाई। क्या बन गया अपने पास? SO3, ठीक है भाई, प्रतिस्थापित उत्पाद बन रहा है अपने पास। अब देखो SO3 पर क्या लगाओ अपने पास? SO3 पर क्या लगा अपने पास? प्रतिस्थापित उत्पाद बन रहा है। अब देखो SO3 है, SO3 क्या अपने पास? माइनस, प्लस यहां पे क्या जा रहा है? बाहर क्या निकाला अपन ने? एच प्लस। ये जो एच प्लस है ये HSO4 माइनस आपका जो निकला था, HSO4
एच एस ओ फोर माइनस स्टार्टिंग में अपन ने फर्स्ट स्टेप में बाहर निकाला था। आप देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप अपन ने जहाँ लिखा है स्टेप फर्स्ट, इसमें देखो एच एस ओ फोर बाहर निकल रहा है, ये एच एस ओ फोर उस एच प्लस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे क्या है अपने पास एच थ्री ओ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास एच एस ओ फोर रिएक्ट विद एच प्लस टू गिव्स क्या बन गया अपने पास एच टू एस ओ फोर। लेकिन जो आपके पास जो साल्ट की फॉर्म में रह रहा है इसमें क्या होता है कि आपके पास जो SO3 माइनस है बेंजीन सल्फोनिक एनाइन सल्फोनाइन, ठीक है, ये क्या करेगा H3O प्लस से रिएक्शन करेगा, किसे करेगा H3O प्लस से, जो कि क्या करेगा H प्लस क्या करेगा ट्रांसफर करेगा और क्या बन जाएगा अपने पास। अब ये कहां से आया, तो ये आपके पास कहां से आया देखो, क्या H3O प्लस जा रहा था नहीं जा रहा था बाहर, तो HSO4 माइनस H प्लस को सब कर रहा है और H3O प्लस अपना H प्लस डोनेट कर रहा है। ये नहीं कि वो जो H प्लस ले रहा है उसी को दे दिया अपन ने, ये याद रखना है, उस H प्लस को तो तुरंत H2SO4 एक्सेप्ट कर लेता है और फिर H3O प्लस आता है अपना H प्लस डोनेट करता है और सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या कर देता है फॉर्मेशन कर देता है SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, किसका फॉर्मेशन होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण, किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या हो गया फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि अभिक्रिया कितने पदों में हो गई, तीन पदों में संपन्न हो गई, लास्ट में अपने पास क्या हो गया सल्फोनेशन हुआ है नहीं हुआ, तो ये बेंजीन का सल्फोनेशन भी आपके पास क्या होता है कंप्लीट होता है। अब इसका जो नेक्स्ट अपने पास आता है क्या आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अपन बात करें ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख, तो ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख में क्या होगा भाई सिमिलर उसका जैसा होगा, किसका जैसा अपने पास किसका जैसा होगा, जैसे अपन ने नाभिक इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्टिंग में पढ़ी थी एग्जैक्ट उसका जैसा होगा, अपन ने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा, सिमिलर उसका जैसा होगा। बस वहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल आपने ले रखा है उसकी जगह आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या रखना पड़ेगा, अब वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अपन को क्या रखना पड़ेगा SO3- आपको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के स्टूडेंट्स में आपके सामने बात करूं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस किस के बीच में होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट पोटेंशियल एनर्जी व रिएक्शन रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। क्या होता है भाई यहां पे क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से किसका होगा प्रोडक्ट का क्या होता है अपने पास फॉर्मेशन होता है। यहां पे अपने पास क्या होता है रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे TS फर्स्ट होती है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे TS सेकंड होती है और यहाँ पे अपने पास क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। अब बात करते हैं किस किस के साथ रिएक्शन करवाए अपन ने, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया करवाई थी अपन ने, राइट, किसके साथ रिएक्शन करवाई थी अपन ने बेंजीन की रिएक्शन करवाई थी, तो देखो ये रहा बेंजीन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपन ने SO3 के साथ, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि बेंजीन पर अटैक कर चुका है और किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास SO3- H, ठीक है भाई। और आपके पास डीलोकलाइजेशन होकर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया जिसे अरेनियम आयन इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं जिसे अरेनियम आयन इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, राइट। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या यहाँ से यहाँ अपने पास क्या होता है डीलोकलाइजेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पे आपके पास एच होता है, यहाँ पे SO3 माइनस क्या होता है जुड़ चुका होता है, क्लियर।
यहाँ पे उसके बाद में अपन क्या करें कि आपके पास जो बना आपके पास सेकंड ट्रांजिशन स्टेट TS सेकंड जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज था ही, यहाँ पे जो H है यहाँ SO3 माइनस, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डी प्रोटोनेशन हो रहा है और डी प्रोटोनेशन होके आपके पास उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है और क्या बन रहा है अपने पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ये क्या बन गया अपने पास, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि इसमें H2SO4 और H3O+ ये आपके पास सोलवेंट के साथ साथ चलते हैं, इसलिए अपन को उसको डायरेक्ट अपन इसमें देखा जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट विद सल्फोनिक एसिड, कि जब बेंजीन का सल्फोनीकरण कराया जाता है तो बेंजीन के सल्फोनीकरण में दो ट्रांजिशन स्टेट व एक इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत। तो ऐसे करके अपने पास जो चौथा एग्जांपल अपन ने कंप्लीट किया, पहला नाइट्रेशन, दूसरा अपन ने क्या किया था, क्लोरीनेशन, तीसरा अपन ने फिडेल क्रैप एल्काइलेशन, चौथा अपन ने फिडेल क्रैप एसाइलेशन और ये अभी पांचवा अपने पास जो किया है वो है कि अपन ने सल्फोनीकरण, कौन सा कर लिया अपन ने, सल्फोनीकरण। तो अभी मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि अब आपके पास यदि कोई सा भी कंपाउंड हो जाए बेंजीन के साथ तो आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से करवा सकते हैं। कि आपसे कोई बोला जाए कि बेंजीन कौन सी अभिक्रियाएं देता है तो तुरंत बोलोगे आप, सर बेंजीन इलेक्ट्रॉनिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। भाई नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं देता है, तो आप बोलोगे कि सर बेंजीन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए नहीं देता है क्योंकि बेंजीन जो होता है वो खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत ज्यादा संख्या में इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं अटैक करता है ना कि नाभिक नहीं अटैक करता है। फिर आपसे बोला जाए कि कोई एग्जांपल बताओ तो आप बोलोगे सर नाइट्रेशन करवा सकते हैं। भाई नाइट्रेशन में क्या बनेगा, नाइट्रोनियमाइन बनेगा, किसके साथ रिएक्शन करा रहे अपन, तो अपन कहेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करके अपन ने नाइट्रेशन बनाया, H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेशन बनाया और प्रोडक्ट अपन ने बनाया तीन स्टेपों में रिएक्शन। देखो भाई स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, यदि आपने स्टेप याद रख लिया तो आप इजीली रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं। यदि आपको स्टेप पता नहीं है तो फिर आपको रिएक्शंस को कराने में दिक्कत आएगी। भाई आप तो बस इसका देखिए मेटा ई लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको ई नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, भाई कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से ई नोट्स देखिए आपको पूरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपने पास एक एग्जाम्पल और है, अब जो एग्जाम्पल मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसे पूछ भी चुका है। नेक्स्ट अपने पास क्लोरोमेथिलीकरण, क्या अपने पास एग्जाम्पल क्लोरोमेथिलीकरण, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अपने पास क्या है, क्लोरोमेथिलीकरण। ठीक है भाई, क्लोरोमेथिलीकरण, क्या अपने पास एग्जांपल है, क्लोरोमेथिलीकरण मतलब बेंजीन रिंग का क्या कर रहे हैं अपन, मेथिलीकरण कर रहे हैं। और ये किसके साथ होती है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अपने पास बेंजीन क्लोराइड उत्पाद बनता है। क्या कह रहे हैं अपन कि क्लोरोमेथिलीकरण, क्लोरोमेथिलीकरण का मतलब है CH2Cl का एडिशन, किसका एडिशन है, क्लोरोमेथिलीकरण, मेथिलीकरण का मतलब हो गया CH3CH2Cl का एडिशन, किसके ऊपर है, बेंजीन के ऊपर। तो अपन कहते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCl की उपस्थिति में लुईस अम्ल ZnCl2 के साथ करवाई जाती है तो अपने पास क्या बनता है, बेंजिल क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को ही क्लोरोमेथिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं अपन कि जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सूक्ष्म जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। सूक्ष्म ZnCl2 एज ए लुईस अम्ल, किसकी उपस्थिति में कर रहे अपन इसे, लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो अपने पास क्या करता है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसकी लिख दे डेफिनेशन क्या होगी,
कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये आपको लिखना पड़ेगा ना ऐसे, जब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हो भाई, जब बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCl की उपस्थिति वह लुईस अम्ले सूक्ष्म ZnCl2 के साथ करवाई जाती है तो बेंजील क्लोराइड बनता है हाँ भाई, रिएक्शंस हो गई। क्या कर रहा है अपन ने, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजील क्लोराइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये हो गया अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है सूक्ष्म ZnCl2 की उपस्थिति में, जो कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में क्या बन रहा है अपने पास है, बेंजील क्लोराइड क्या बन रहा है अपने पास है, बेंजील क्लोराइड का क्या हो रहा है अपने पास है, निर्माण हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, चले आगे नेक्स्ट। हाँ भाई, क्रियाविधि बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। आप सोच रहे होंगे कि सर देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं HCl की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है अपने पास, मेथिल बेंजील क्लोराइड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्रियाविधि में कितने स्टेप होंगे भाई, वही 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, अभिक्रिया के प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होता है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कर पाओगे। हाँ जी भाई, क्या क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, HCl जा रहा है, HCl किस में टूट रहा है, H+ + Cl- किस में जा रहा है, सबसे पहले HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करा रहे हैं, पहले HCl ब्रेक हो रहा है H+ Cl-, ठीक है भाई, बना H+ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, बना H+ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अपने पास क्या बना रहा है, CH2OH, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया अभिक्रिया के प्रथम पद में। क्या कर रहा है अपन ने, HCl रिएक्ट कर रहा है, पहले HCl कन्वर्ट हो रहा है H+ और Cl- में, फिर जो आपके पास H+ है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या अपने पास है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अपने पास क्या बन रहा है, अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है अपने पास है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया। नेक्स्ट अपन करें, ठीक है भाई, अब आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, अब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग